હવે વાત કરીએ તો અંબાજીની. યાત્રાધામ અંબાજી ગબ્બર પાસે ચુંદરીવાળા માતાજીએ ગુરુધૂણીનો રસ્તો બંધ કરતા ગામના લોકો અને સાધુ સંતો ગબ્બર આવી પહોંચ્યા હતા. યાત્રાધામ અંબાજીમાં ગબ્બર ખાતે આજે અંબાજી ગબ્બર પાસે આવેલા ચુંદરીવાળા માતાજીએ ગુરુને જવાનો રસ્તો બંધ કરતા ગ્રામજનો અને બહારથી સાધુ સંતો ગબ્બર ખાતે આવી પહોંચ્યા હતા અને સાધુ સંતોને ગ્રામજનો દ્વારા હલ્લાબોલ કરવામાં આવ્યું હતું. અંબાજી ગબ્બરમાં ચુંદડીવાળા માતાજી દ્વારા ગુરુદૂરને જવાનો રસ્તો બંધ કરતા અંબાજીના ગ્રામજનો અને સાધુ સંતો દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. તો ગબ્બરમાં ચુંદડીવાળા માતાજીના મંદિરે પાસે સાધુ સંતોની વર્ષો પહેલાંની ગુરુદૂરની છે એવા સાધુ સંતો અને અંબાજીના ગ્રામજનો દ્વારા આક્ષેપ કર્યો હતો કે ચુંદડીવાળા માતાજીનું મંદિર પણ નહોતું, તેના પહેલાંથી આ ગુરુધૂનીની સ્થાપના થયેલી છે અને આ વિસ્તાર કરતાં વર્ષો જૂની ગુરુધૂનીના માર્ગ બંધ કરવામાં આવ્યો હતો અને સાધુ સંતો મત મુજબ જો વર્ષો જૂની ગુરુધૂનીના રસ્તાને ખોલવામાં નહીં આવે તો ચુંદડીવાળા માતાજીના ઘેરાવ પણ કરવામાં આવશે એવી ચીમકી સાધુ સંતો અને ગ્રામજનો દ્વારા આપવામાં આવી હતી. લક્ષ્મણ ઠાકોર, જેએસ ટીવી, અંબાજી. पे आया चुंदरी वाले माता जी से मिला, उनको पाँव पड़ा. पाँव पड़ने के बाद हमको यहाँ चतुर्मास करना है, गुरु धुनी है हमारी. बोले एक दिन तो हमको बोले जाने देने, दूसरे दिन से हमको धक्का मारे, गाली दिए. एक हफ्ता पहले फिर हमको परसों मारे. हम उनको पाँव दबाता रहा, गुरु जी हो, माँ बाप हो, मेरे माई हो, मगर मेरी कुछ नहीं सुने. कल का मेरे अहमदाबाद का भगत आए थे, उन पर हाथ उठाया. ये गलत है या सत्य हो वो जाने, हम तो जो किया उनके लिए एक शब्द गाली नहीं दिया हूँ. हमने कोई शब्द गलत भी नहीं बोला, उनके आदमी से भी पूछ सकते हैं. यहाँ पे वो बड़े बड़े कुत्ते रखे हैं, बड़े बड़े कुत्ते. अरे कोई नहीं, हमको मार के वहाँ पैदल भी नहीं आने देते, हमको मार रहे हैं, मारे हैं. हमको खुद को रोया हूँ, आज कल गुरु जी के पास रोया हूँ. हमारे हमारे अंबाजी के पब्लिक को नहीं आने देती, हमारे आठ गांव के पब्लिक को नहीं आने दे रही है. बताओ मंदिर किसके लिए होता है? धर्म के लिए होता है. हमारे सत्य का मार्ग किसके है? धर्म करना है, धर्म को अपने आगे ले चलना है. हमारे यहाँ अंबाजी के पब्लिक, आठ गांव के रेवारी जो हैं, हमारे कोई बूढ़ी बुजुर्ग माँ बहन नहीं आ पाती है. क्यों नहीं? मुझे बंद किया जा रहा है. बोलते हैं माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हम उनसे तुमको उड़वा देंगे. हम बोलते हैं हमारे पास मंत्री मिनिस्टर कलेक्टर मेरे हाथ में है, हम तुमको उड़वा देंगे. हमको भी डर है, हमारे जान को मारने की धमकी मिलती है. हम चरणों में डूंगरा सो परमेश्वर की यहाँ वर्षों पुरानी, हजारों वर्षों पुरानी की धुनी है. यहाँ हमारी जनता दुखी हो रही है, प्रेमी लोग भगत सब. वो महाराज जी बैठे, उसको हमारी एक ही प्रार्थना है कि हमारा रास्ता हमेशा के लिए अलग बना के दे, चाहे ये रास्ता खुला रखे. हम रास्ता छोड़वा के जाएंगे, हमारे पीछे सब सन्यासी उपे, उसकी सबकी इच्छा एक ही है कि धर्म की ध्वजा के लिए रास्ता हमेशा खुला आना चाहिए. हम जाएंगे गुरु महाराज की कृपा से, आए तो सब रास्ता करवा के जाएंगे. जनता का सहयोग जाएगा और महाराज जी का ही सहयोग जाएगा. ये भी महाराज दुश्मन नहीं है, चाहे माता जी हो कि महाराज हो, बाकी रास्ता हमारे चाहिए. और रास्ता के लिए ये हजारों साल पुरानी है, डोंगरा सो परमेश्वर कब हुए हमारी, ये चुंदड़ा ये पीछे आया है, ये हमारी वाव है, इसने कब्जा कर लिया है. ये 5-7-10 साल हुए है, उसके पहले से हमारी जगह है, हमारे रास्ते के इसने पूरा कब्जा कर लिया है. और रात को कुतरे छोड़ते हैं और 4-5 दारू पी के यहाँ बैठे. महाराज जी को कल भी मारा तो सब मैंने इकट्ठे हुए और बोला कि चलो अपने उसकी समस्या है तो उसको पूछ के करवा देते. जय भारत माता.